To hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also, follow me on Instagram. My Instagram handle is @quickrecipes123. There, I share the live updates of what I do and what I eat. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am at the Senate Club Lounge. The first thing that I am going to try is the carrot soup, which is very thick and creamy. आप देख ही सकते हो कितना yummy लग रहा है. Soup is really good, perfectly thick, perfectly creamy, and I can taste fresh carrots. Now it's time to try the starters. In the starters we have dahi balla, papad and some salad. These are the cumin rice papad. Dekhne mein bahut crispy lag raha hai. Kha ke dekhte hain. It is very crispy. Now let's try the dahi balla. This is so soft and spongy and it is literally loaded with curd. बहुत क्रीमी कर्ड है ये. फर्स्ट बाइट ऑफ दही बल्ला. दही हल्की सी स्वीट है और ये स्वीटनेस अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही. भल्ला थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था बट इवन दिस इज़ गुड. हियर इज़ अनदर बाइट ऑफ दही बल्ला. दही बल्ला इन्होंने उड़द और मूंग दाल मिक्स करके बनाया हुआ है. नाउ लेट्स ट्राई दिस सैलेड. इवन द सैलड इज़ रियली गुड. दाल इन्होंने हल्की ब्लांच करी हुई है, प्रॉपर कच्ची नहीं है बट एकदम पकी हुई भी नहीं है और बहुत अच्छा क्रंच आ रहा है दाल में. पहले दाल को राइस में मिक्स कर देती हूँ. जस्ट लुक एट दिस दाल गाइस, दिस इज़ सो क्रीमी बटरी. बहुत अच्छी दाल है, मज़ा आ गया. राइस से ट्राई कर ली है, अब नान से करते हैं. गार्लिक नान का एक बाइट तोड़ लेती हूँ. थोड़ा सा हार्ड हो गया बिकॉज आई वे टाइम हो गया है और तब मैं स्टार्टर्स पे ही थी. दाल में अच्छे से डिप करते हैं इसको. And now I'm going to try this crunchy naan with creamy dal. Dal is super hot. अब नान को मिक्स वेज से भी ट्राई कर लेते हैं. सॉरी मिक्स वेज नहीं, वेज जाल फ्रेजी. सेम ही है वैसे तो. अनदर बाइट. फ्लेवर्स परफेक्टली बैलेंस्ड है, कुछ भी ज़्यादा तीखा नहीं है, मीठा नहीं है. दिस इज़ सो गुड. नान इज़ लोडेड विद गार्लिक बिकॉज हमने गार्लिक नान ऑर्डर किया था. अगर आपको गार्लिक अच्छा नहीं लगता तो आप बटर नान ऑर्डर कर सकते हो या फिर लच्छा पराठा. कुलचा आई गेस पार्ट नहीं है बुफे का बट यू कैन ऑर्डर दीज ब्रेड्स जो मैंने बताई हैं आपको. मिस्सी रोटी भी है यहाँ पे
और शायद मैं वो लूँ मेथी मलाई पनीर के साथ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज यहाँ पे चाइनीज़ का भी ऑप्शन है। नॉन वेज में ऑप्शन था चिकन का, लैम्ब का, फिश का, बट वो मैंने ऑप्ट नहीं किया बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन। आई एम बैक विद द चाइनीज़ मेन कोर्स और इसके अंदर ऑप्शन है वेजिटेबल मंचूरियन एंड चिली गार्लिक फ्राइड राइस का। वेज मंचूरियन ग्रेवी वाला है, ग्रेवी में थोड़ी कम लाई हूँ बिकॉज मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फ्राइड राइस और मैं हमेशा नूडल्स ही प्रेफर करती हूँ। नाउ लेट्स ट्राई द वेज मंचूरियन। हियर इज द फर्स्ट बाइट ऑफ वेज मंचूरियन, इसे खा के देखते हैं कैसा है। मंचूरियन इज रियली गुड गाइस, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुआ है। आई डोंट नो हाउ बिकॉज काफ़ी टाइम से ग्रेवी में था, ये शेफ़ ने बहुत अच्छे से बनाया है। वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा हैं इसमें कि आपको गिल्ट नहीं होगा अनहेल्दी खाने का बिकॉज वेजिटेबल कुछ तो न्यूट्रिशन ऐड करती ही हैं। लेट्स ट्राई द गार्लिक फ्राइड राइस नाउ। आई कैन टेस्ट द बर्नड गार्लिक एंड सेसमे ऑयल, इट इज़ गुड बट आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, तो मैं मंचूरियन ही प्रेफर करूँगी। मंचूरियन हल्का सा स्वीट साइड पर है मगर अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो मंचूरियन को मिक्स करके खा सकते हो फ्राइड राइस में, बट आई वुड सजेस्ट कि अलग अलग ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओवरऑल इट इज़ अ गुड मील, ये स्ट्रीट स्टाइल से काफ़ी अलग है एंड दिस इज़ द ऑथेंटिक चाइनीज, सो इसके फ्लेवर्स अलग हैं। यहाँ पे है हमारे पास रबड़ी एंड वी हैव सम फ्रूट्स एंड दिस इज़ द फ्रूट पेस्ट्री। शुरू करते हैं फ्रूट पेस्ट्री से बिकॉज ये मेरे को बहुत टेस्टी लग रही है। कीवी के साथ एक बाइट लेते हैं। हियर इज़ द फ्रूट पेस्ट्री, तो इसे खा के ट्राई करती हूँ कैसी है। देखने में तो बहुत सॉफ्ट लग रही है। दिस इज़ रियली गुड, बहुत टेस्टी है, मैं इसे दोबारा लेकर आऊँगी। पहले मेरा प्लान था मंचूरियन खाने का बट अब मेरे को लग रहा है मैं ये पेस्ट्री खाती रहूँगी। हेज अनदर बाइट, बेसिकली एक सॉफ्ट सा स्पॉन्ज है केक का, वनीला से फ्लेवर्ड है और इन्होंने लेयरिंग कर रखी है फ्रेश क्रीम की। बहुत ही अमेजिंग डेजर्ट है, सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट। बहुत बड़ा बाइट ले लिया मैंने एंड आई एम लिटरली चोकिंग राइट नाउ। Here is the separate washroom of the Senate. This one is for the gents और ये वाला ladies का है। I just had an amazing time at the Senate Club Lounge and that is the restaurant which is located on the first floor of the Claridge's. ये वाला Claridge's जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो located है New Delhi में। अगर आप मेरी videos regularly watch करते हो तो आपको अभी तक पता ही होगा कि मैं अलग अलग hotels की staycation videos shoot करती हूँ और सारे ही hotel Delhi NCR में located होते हैं। सेनेट क्लब लाउंज की एक ख़ास बात मेरे को पता लगी और वो ये है कि वहाँ पे डाइन करने के लिए मैंडेटरी है कि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो। इफ़ यू आर अ आउटसाइडर, मतलब अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हो और आपको खाली खाना खाना है, तो बाकी इनके जो 6 रेस्टोरेंट है ग्राउंड फ्लोर पे आप वहाँ पे डाइन कर सकते हो। दे आर इक्वली लैविश एंड लग्जूरियस। 60% ऑफ यू गाइज वॉच माई वीडियोज़ बट डू नॉट सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, that will not only support me but also motivate me in creating more such videos.